अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे अपने किचन में मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत मज़ेदार होती है। ये देखें, हमने तैयार की है। चलें जल्दी से बताते हैं कि ये कैसे तैयार होती है। जैसा कि व्यूअर्स आपको पता है, आज हम चिकन कढ़ाई बना रहे हैं। उसके लिए हमने आधा कप घी लिया है, ऑयल लिया है, उसको हमने कढ़ाई में गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अभी हम इसमें आधा किलो चिकन डालेंगे, अच्छी तरह धो लिया है इसको। इसको तब तक हम भूनेंगे जब तक हमारे चिकन का कलर नहीं चेंज हो जाता। और इसके साथ ही हमने लिया तीन टमाटर, इनका छिलका उतार लिया है। एक प्याज लिया है, अदरक का ये टुकड़ा लिया है, तीन चार हरी मिर्चें ली हैं, ये लहसुन की कलियां ली हैं 8 से 10। लहसुन की कलियां, अदरक और प्याज को हम चॉप कर लेंगे, बारीक पेस्ट बना लेंगे इनका। ये देखेंगे और हमारे चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें पेस्ट डाल देंगे जो हमने अदरक लहसुन और प्याज का बनाया है, और इसमें मैंने 2 हरी मिर्ची शामिल कर दी थी। इसको अच्छी तरह हम भून लेंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए अच्छी तरह। ये देखें भी, और हमारा अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट अच्छी तरह भून चुका है, घी हमारा ऊपर आ गया। अब हम कुछ मसाले डालेंगे। हमने मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च ली है, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून साबुत जीरा। ये हम सारे शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। पहले मिक्स करेंगे। देखें व्यूअर, पाउडर मसाले हमारे अच्छी तरह भुन चुके हैं। अब हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डालते हैं, इसको मिक्स करते हैं और कवर करके तब तक पकाते हैं जब तक हमारे टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाते। देखें व्यूअर, टमाटर हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें दही डालेंगे, 4 टेबल स्पून बीट किया हुआ, और आँच स्लो कर लेंगे। तो मिक्स करेंगे तब तक पकाएंगे जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। व्यूअर्स, हमने इसको 5-7 मिनट पकाया, हमारा दही का पानी खुश्क हो गया, हमारा घी ऊपर आ रहा है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज धनिया, 2 से 3 टीस्पून है बारीक कटा हुआ, और साथ ही 2 से 3 हरी मिर्चें हम साबुत ही शामिल कर रहे हैं। मिक्स करेंगे इसको और 2 से 3 मिनट पका लेंगे। देखें व्यूअर, हमारी मज़ेदार चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें, तो ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।